वालेकुम दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सब लोग? और बहुत दिन बाद अभी मुंबई का ब्लॉग आ रहा है। हम घर वापस आ गए वेस्ट बंगाल से और आज ही वापस आए हैं। और आज ही मेरा बेटा का रिजल्ट का 10th का रिजल्ट आया है। तो बेटा ही बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगी। बता रिजल्ट क्या आया? 95.6%। बस इतना ही बोलेगा? खुश है? तो मेरे बेटे को आया है 95.6%। बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया है मेरा लड्डू पड्डू। और इसके पापा भी है खुश। और इतने सारे देखिए मिठाई का पैकेट भी ला लिया इन्होंने। और अभी बेटे को खिलाएगा। हाँ, बिना नंबर जाने इसके पापा मिठाई ला लिया। और ये बाहर गए थे, हमने इनको नंबर नहीं बताया। तो ये घर आया फिर बेटा ने बताया। और क्या क्या मिठाई लाया है फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है सारी देखिए मिठाई का पैकेट। और देखिए सामान सारा हमारा अभी भी फैला हुआ है। ये देखिए ट्रॉली वाली कुछ अभी नहीं अनपैक किया है। आज ही हम आए हैं और आज ही बेटे का रिजल्ट आया है। तो कुछ भी अभी अनपैक नहीं हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है। इसकी सफाई अब धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल तो रिजल्ट की सेलिब्रेशन है बेटे की। और लड्डू पड्डू देखिए अभी भी फोन में ही लगा हुआ है, उसको कोई टेंशन है नहीं। तभी नहीं था, अभी भी नहीं है। बताओ खुश हो? एक्सप्रेशन तो दाओ, बोलो खुश हो कि नहीं, बताओ। खाली चौक पैर कर लो हमें, बोलो बोलो बेटे का रिजल्ट में खुश हो कि नहीं। ये कभी नहीं बदलेगा जिंदगी में, ये कभी नहीं बदलेगा। ये इंसान कॉमेडियन ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर। चलो अभी बेटे को मिठाई खिलाओ। तो साहिल के पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए रिजल्ट सुनने के बाद। और वो बाहर से ही मिठाई पहले ही लाके खरीद लिया था नंबर जानने से पहले ही। और आके बेटे को बहुत प्यार भी किया, पर वो वीडियो क्लिप मैं भी नहीं ले पाई। मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी उस वक्त। ये देखिए ये है बेसन के लड्डू लाए हैं ये खरीद के। अभी अनपैक कर रहे हैं। और आप सब भी आ जाइए, आप सबको भी इन्विटेशन है मेरे घर में बेटे की रिजल्ट की खुशी में। अच्छा है लड्डू, पापा को खिला। तो इसके पापा ने इसके मुंह में पूरा लड्डू ही अंदर डाल दिया, तो ये बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने बोला पापा को खिला, तो ये देखिए ये मुंह हिला भी नहीं पा रहा है क्योंकि इसके पापा ने पूरा लड्डू ही मुंह में डाल दिया। अब ये चबाएगा, उसके बाद ही फिर बोलेगा। हाय, ये पगली का देखा है? घूमता रहता है इधर से उधर। ये है बेटे के लिए चॉकलेट कैडबरीज लाए है। और ये है मिठाई बेसन का लड्डू। और ये है संदेश मिठाई। और ये बेटे खिला रहे हैं पापा को लड्डू। को खिला दिया। और अभी आज ही हम तुरंत आए हैं, तो आज कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, सब थके हुए हैं। तो सेलिब्रेशन भी होगी बाद में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिलहाल तो मिठाई से ही काम चला लिया, मुंह मीठा करा दिया सबको। और ये है वो संदेश जो बेंगोली शॉप से हम खरीदते हैं। बेंगोली स्वीट शॉप है इधर है, तो उधर बहुत ही टेस्टी होता है। अरे बेटे देखिए कैमरे के सामने मुँह को दिखा के गया। और बस अभी देखिए ये लाए हैं भेज कटलेट लाए हैं चाय के साथ खाने के लिए शाम को, वो भी बेंगोली शॉप से ही हम लाते हैं। उधर का स्वीट और कटलेट बहुत ही टेस्टी बनाता है, तो हम लोगों की बस स्वीट और कटलेट की पार्टी हो गई शाम को। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम, वेस्ट बंगाल से सफ़र करके आए हैं आज ही। और आज ही आकर ही बेटे का रिजल्ट निकला, तो ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो आज ही मैंने ये वीडियो डाल दिया। वीडियो तो अगले दिन आएगा, रिजल्ट तो आज निकला है, वीडियो दूसरे दिन ही आएगा। तो बस शाम की चाय बना रही हूँ और सब मिलके भी पिएंगे। मुझे आप लोगों से कुछ कहना भी है, तो आप लोग थोड़ा मेरा वीडियो से ज़्यादा मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ। तो बस चाय पीते पीते आप लोगों को बता भी दे रही हूँ जो बोलना है। और बस हम चाय पी रहे हैं। और आप लोगों को बोलना ये था कि मैं वेस्ट बंगाल से मुंबई वापस आ गई हूँ, पर घर में थी, मायका में थी, ससुराल में, तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो मैं आप लोगों की अपने दोस्तों की वीडियो ठीक से बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, वॉच कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा ही बस देख रही थी। तो बहुत सारे दोस्त शायद नाराज़ भी होंगे मेरे वीडियो में नहीं आ रहे, पर ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बिज़ी हो गई थी।
पर अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब आप लोगों का सारा वीडियो मैं फुल वॉच करूँगी पहले के जैसे ही। और आप लोग भी प्लीज़ साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए मुझे, और वीडियो को लाइक कमेंट तो करते रहिए, तो बताती हूँ हर वीडियो में। और मेरा जो माइका का ससुराल का ब्लॉग है, मैं अभी तक एडिट नहीं कर पाई हूँ, वो वीडियो भी मैं एक एक करके शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पर आज ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी था मेरा बेटा का रिज़ल्ट का, क्योंकि ये बहुत पुराना हो जाता फिर आप लोगों के साथ शेयर करके मज़ा नहीं आता, तो सोचा ये करंट वीडियो है तो शेयर कर देती हूँ, और पिछले का वीडियो फिर धीरे धीरे एक एक करके ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो हम आप लोगों का आशीर्वाद ये भी बना के रखिएगा मेरे बच्चे के साथ, और हम दोनों भी बहुत खुश है, घर वाले भी खुश है। तो सब स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अभी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।